गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू कैसे हैं आप फाइन एंड हैप्पी ना आई एम मिसेस मेहजबीन अख्तर असिस्टेंट टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोआ रायपुर छत्तीसगढ़ टूडे वी आर स्टडी लेसन ट्वेंटी ऑन द वे टू स्कूल दिस लेसन इज़ अबाउट टू चिल्ड्रेन हु आर वेरी कंसर्ट अबाउट द ग्रीनरी अराउंड देम बच्चों आज हम लेसन ट्वेंटी सेवन पढ़ेंगे उसका नाम है ऑन द वे टू स्कूल इस लेसन में इस पार्ट में उन दो बच्चों के बारे में बताया गया है जो अपने आस पास हरियाली के लिए चिंतित हैं लेट्स रीड द लेसन पिंकी एंड राजा गो टू स्कूल एवरी डे देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है दो बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं इनके नाम हैं लड़की का नाम पिंकी है और लड़के का नाम राजा है एवरी डे का मतलब होता है रोज प्रतिदिन वो रोज कहाँ जाते हैं स्कूल जाते हैं दे सोल्ड स्मॉल सीट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड देखिए रोड दिखाई दे रही है आपको और दोनों बच्चों ने क्या किया दोनों तरफ छोटे छोटे बीज ला करके क्या किया बो दिया देन कैम द रेन्स उसके बाद क्या हुआ देखिए बच्चों ने क्या पकड़ा हुआ अम्बरेला छाता पकड़ा हुआ है उसके बाद बारिश आई दीड्स ग्रीव इन टू स्मॉल प्लांट्स तब क्या हुआ बारिश आने के बाद में जो छोटे छोटे जो बीज थे वो छोटे छोटे पौधों में बदल गए नाउ देयर आर लवली फ्लावर्स ऑन द वे टू स्कूल अब देखिए रोड के दोनों तरफ सड़क सड़क के दोनों तरफ सुंदर प्यारे फूल हैं देखिए आपने लेसन को पढ़ा अब आपके लिए एक्सरसाइज वर्क है द ब्लैंक्स द ब्लैंक्स मतलब होता है खाली जगह को भरना पहला देखिए पिंकी एंड राजा गो टू डैश एवरी डे एवरी डे रोज पिंकी और राजा रोज कहाँ जाते हैं स्कूल है ना सेकेंड में है डैश एंड डैश सोड द सीट्स किसने और किसने बीच को बोया तो पिंकी और राजा पिंकी एंड राजा सोड द सीड्स थर्ड में है दीड्स ग्री इन टू स्मॉल डैश क्या हुआ बीच को बोने पर राइट प्लांट्स द सीड्स ग्रू इन टू स्मॉल प्लांट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज वर्क आपका है फुट नंबर इन द बॉक्स टू शो द सिकवेंस इन स्टोरी। जैसे आपने स्टोरी को पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको चार लाइन दिया हुआ है इन चारों लाइन को आपको एक के बाद एक सही क्रम में रखना है फर्स्ट में आपको यहाँ दिया हुआ है रेन कम सेकेंड दिया है स्मॉल प्लांट्स ग्रीव नेक्स्ट है सोड सीड्स और लास्ट में दिया है फ्लावर्स ग्रीव तो आप बताइए इसमें पहले क्या आएगा सबसे पहले क्या होगा राइट सोड सीड्स फर्स्ट में आएगा सोड सीड्स है ना नेक्स्ट होगा बीजों को बोया गया इसके बाद क्या हुआ सेकेंड में रेन कम बारिश आई अब बताइए थर्ड में क्या होगा राइट स्मॉल प्लांट्स ग्रीव छोटे छोटे पौधे उगाए और लास्ट में फ्लावर्स ग्री फूल उगाए अब आपके लिए यहां होमवर्क दिया हुआ है विथ द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स सो सीड्स ऑफ योर चॉइस इन योर सराउंडिंग आप अपने मम्मी पापा के सहायता से जो भी आपको पसंद है फूल या फल के बीज उगाइए थैंक यू